auspicious occasion, 2016, Kumbh Mela. We are a little ahead of Ujjain. We are at a very, very famous temple called Omkareshwar. Omkareshwar Mahadev is one of the 12 Jyotirlings, and we are today with the temple priest. Behind me is a huge crowd of people who are gathering here to go inside the temple. अभी हम चंद बातें इनसे करेंगे और थोड़ी जानकारी इस भव्य और सुंदर मंदिर के बारे में इनसे हम लेंगे। नमस्कार, आपका शुभ नाम? तो दीक्षित जी ने यहाँ पे हमको अंदर आने की अनुमति दी। पहले तो हमारे चैनल के तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, आपको हम एक चंद सवाल करते हैं। ये मंदिर का जो निर्माण है, ये अभी जो दिख रहा है, ये कौन सा स्टोन है? ये रेड स्टोन, कौन सा है? सैंडस्टोन, रेड स्टोन, रेड स्टोन। और ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है इसका, इसके पहले कोई और मंदिर यहाँ स्थापित होगा, क्या ये सच बात है? उनका सदैव ऋणी रहेगा। ओमकारेश्वर भगवान की जय।
अभी कई सारे महत्वपूर्ण हमने बातें दीक्षित जी से की, पंडित जी से, और उसमें का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक विषय है जो कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। और मैं ही नहीं, एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इवन नासा, द बिगेस्ट एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड, उनका भी कहीं ना कहीं इस विषय से जुड़ा हो रहा है। वो एक थ्योरी है दीक्षित जी, जिसमें ये माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है, आपने अभी इसको उनका वर्णन करते हुए कहा है, ये स्वयंभू है। अब स्वयंभू ये शिवलिंग है, बहुत ही पुरातन है, सनातन है। अब इसके उत्पत्ति के कई सारे लोगों ने वर्णन किए, प्रामुख्य से जो एक राजा है उन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर की, ऐसा प्रतिलिपि है। अब मेरा एज ए साइंटिस्ट एक दृष्टिकोण है कि शायद ये शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये उल्का से निर्मित हुआ है। और क्या ये सच है कि जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ वहाँ जल होता है? कावेरी का नर्मदा जो पवित्र समागम सज्जन ताधनाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकार दीक्षम शिवमे कपीले 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ स्वयंभू प्रणव लिंग में इसको कहते हैं। प्रणव मीन्स नादलिंग, नादलिंग। तो इसमें इस सृष्टि में हलचल के पहले नादलिंग प्रकट हुआ है। नाद में मतलब आ ऊ म, तीन अक्षर मिलकर के शब्द से मिलकर के ओम बना है। ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ओम प्रादुर्भाव इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से हुआ है। जड़ ही उसका ओंकार है, नाद ही ओंकार है, सृष्टि उत्पत्ति ही ओंकार है। इसलिए ओंकार ओंकारेश्वर स्वयंभू प्रणव या नाद लिंग भी कहते हैं। हर ज्योतिर्लिंग के हर ज्योतिर्लिंगों में जिस प्रकार हम कहते हैं ब्राह्मणा मोदक प्रिय, विष्णु अलंकार प्रिय और शुभ जलधार प्रिय, भगवान शंकर जितनी जलधारा से प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने हल हल विश्व लिया, उनको नीलकंठ भी कहते हैं। हल हल विश्व लेने से उनका जो कंठ विष है वो कंठ में जाके रुक गया। उनको जितना जलधारा चलाएंगे प्रभु को शीतलता मिलेगी, शीतलता मिलने से वो आग खोलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रसन्नता से बिहार करके बहुत और सबसे जल्दी और आसानी से प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। और ये सच है कि हरेक शिवलिंग के अगल बगल में आजू बाजू में एक नदी का प्रवाह होता है। ओंकारेश्वर मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा स्थान है जो एक आइलैंड के ऊपर है, नदी के बीच में। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए स्मॉल आइलैंड एंड अराउंड दिस टेम्पल नर्मदा रिवर फ्लोइंग। और ये जो पानी है जल का, ये नर्मदा नदी के जल का अभिषेक यहाँ पर शिवलिंग पर प्रवाहित किया जाता है हमेशा। आपने जो बताया सही है, ओंकार स्वयंभू होने से इस पर्वत के चारों तरफ जिस प्रकार ओंकार शिवलिंग की आकृति है उसके चारों तरफ नर्मदा जल गिरने के पश्चात जो आकृति बनती है, इसी प्रकार इस पर्वत के ऊपर जो जल गिरता है शंकर भगवान का स्वरूप बनता है। इस पर्वत के चारों तरफ नर्मदा जल बह रहा है और पूरा पर्वत शिवलिंग की आकृति लिया हुआ जलाधारी शिवलिंग की बना रहा है। बिल्कुल, इफ ऑल आर व्यूअर्स फ्रॉम गूगल सैटेलाइट इमेज इफ यू सी, you will be able to see that this island itself is in the shape of a shivling, and that shivling is also the accurate shape which is inside the Garba Griha. So this is a very very important revelation which on our scientific spirituality YouTube channel we are doing for the very first time. Now what we are doing is we are going to go inside and we are going to have a small glimpse of the actual niche. Today we are during the 2016 Siesta Kumbh, and actually we are inside the Garba Griha of Omkareshwar Shivling. Now in front of me you can see the Shayan Shringar. This is one of the important events of the evening where Shayan Shringar is done, where the actual deity is supposed to take rest and have a peaceful night here, and then from here the deity is supposed to go to Mahakal at Ujjain. And with me is Pandit Ji Dikshit here, and now we are going to ask him a very very simple and straightforward question. Can you pan to the left here?
ये जो शिवलिंग है यहाँ पर, और इसको कई सारे वर्षों से यहीं पर स्थापित है, आपने कहा भी ये नाद लिंग है, तो क्या इसकी उत्पत्ति और जल, हमने जो बात की, क्या ये सही होगा कि जल तत्व और शिवलिंग इसका एक अटूट रिश्ता है, और ये पानी और जल जो इसके ऊपर जड़ता है तो उस शिवलिंग के कुछ तत्व जो है वो सृष्टि में विलीन होते हैं। उस प्रकार मैंने बताया आपको, भगवान शंकर को जलधारा ज्यादा प्रिय है, जलधारा शिव प्रिय है। जब अभिषेक करके हम मंत्र पढ़ करके जब शिवलिंग पे जल गिरता है, अभिमंत्रित होकर वो जल प्रवाहित होकर के जब वो फैलता है तो उसमें एनर्जी हो करके ऊर्जा दे करके पूरी सृष्टि की उत्पत्ति प्रदान करता है। ये नादलिंग शिवलिंग ओंकार के लिए चलो अच्छा, अंदर जो देवी की मूर्ति स्थापित है उसके बारे में स्थान शिव के साथ शक्ति का समावेश है, और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए माँ पार्वती 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान है। और ये क्विकली ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे की है, इसे क्या चाहिए? ये बाबा का शयन का दर्शन है, यहाँ आकर के भोलेनाथ पार्वती माँ के साथ विराजेंगे, उनके शयन के लिए चाहे उनकी यहाँ चाहे झूले पल्ले विराजे चाहे माँ विराजे, और उनके रात्रि विश्राम के पश्चात चौपड़ पास रख दिए जाते हैं। आप लोग ने ले लिया कहा जाऊर वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल वेयर तीर्थ और चरणामृत गिवन टू एवरीवन दीक्षित जी एंड हिज एसोसिएट and the chandan which is actually paste on the shivling, whatever the remainder of that paste is applied to the forehead,